Hello friends, welcome to Mission IAS. Now friends, in this video you are going to get the 16th list of the most expected MCQ. इसके आपके आने वाले प्रीलिम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन, सो आप देख रहे हो यहाँ पे 215. अगर आपने अभी तक के 15 लिस्ट नहीं देखी है, जिसमें हम 8 से 9 क्वेश्चन हर एक वीडियोस में कवर करते हैं, तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, या इस वीडियो के एंड होते हुए इसकी लिंक दिखाई देगी. फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी इन न्यूज. सो जे इट इस्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. देखिए, यूपीएससी अक्सर ऑफनली मिनिस्ट्री को चेंज करके ऑप्शन स्टेटमेंट को रॉन्ग करता है. तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी इस्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. और हमसे पूछा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट को पकड़ना है, करेक्ट को नहीं, राइट? सेकंड, करंटली ओनली जीएम क्रॉप्स परमिटेड फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया इज बीटी कॉटन. एंड थर्ड, द जीएसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल रिलेटिंग टू रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म. तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है. तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ओनली ए इज इनकरेक्ट, है ना? ऑप्शन ए इज करेक्ट. यू कैन रीड हियर. रिसेंटली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी आस्क महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू इनिशिएट एक्शन टू स्टॉप कल्टिवेशन ऑफ इलीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ बीटी कॉटन. अ जीएम क्रॉप हैज अ जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू इट फ्रॉम द अनदर स्पीसीज टू गिव इट सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लाइक पेस्ट रेसिस्टेंस. तो जनरली ये क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका जो जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें दूसरे क्रॉप के बीज लेके इंसर्ट कर दिया जाता है उनके डीएनए में, तो उसका ताकि वो क्रॉप रेसिस्टेंट, मतलब पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाए, राइट? ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना पड़ पे. सो करेंटली ओनली जीएम क्रॉप परमिटेड फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया इज बीटी कॉटन, राइट? ब्रिंजाल सोयाबीन कंसिडर में है, लेकिन अभी ओनली बीटी कॉटन पे है, राइट? एंड इट इज एस्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द फॉर इट्स अप्रूवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिसेंटली जी सेट 30 वॉज लॉन्च सक्सेसफुली. इट इज इंडियाज रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट. सेकेंड, जी सेट 30 इज टू सर्व एज रिप्लेसमेंट टू इनसेट 4A सर्विसेज विद इनहांस कवरेज. थर्ड, इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च इन टू अ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट फ्रॉम कोरू लॉन्च बेस फ्रेंच गुयाना बाय लॉन्च व्हीकल एरियन YVA 250. सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि जी सेट जो है ना, सबसे पहले बता दूँ कि टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट नहीं है, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. और आपके घर पे जो आप डिश देख रहे हो, राइट, वायरलेस से आप जो भी टेलीकास्ट हो रहा है, तो इनसेट के जरिए हो रहा है, जी सेट 30 के जरिए हो रहा है, जो कि एक टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, राइट? तो टू सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट राइट है, फर्स्ट रॉन्ग है, राइट? तो आप देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट तीनों ही ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो जी सेट 30 वेटिंग 3357 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च इन टू अ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट फ्रॉम कोरू लॉन्च बेस फ्रेंच गुयाना बाय लॉन्च व्हीकल एराइन 5VA251. डीजा इट रिप्लेस द इनसेट 4A सर्विस, राइट? सो न्यू बैचेस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021-22-23 एस्पिरेंट्स. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप किसी सर्च में हो कि आपकी कोई हेल्प करे, कोई कोचिंग क्लास, तो अनअकैडमी से बेहतर ऑप्शन आपके के लिए कोई नहीं है, राइट? सो अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट किया है, जो कि हर एक मंडे को होगा, राइट? सो इनरोल इन द बैचेस एंड गेट एक्सेस टू फुल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बेनिफिट. अब इसमें होगा क्या, कंप्लीट एक्सेस टू ऑल द ऑनगोइंग कंप्लीटेड कोर्सेज. क्योंकि यूपीएससी के, देखिए, इंडिया के जितने भी यूपीएससी के जो कोचर है, एजुकेटर है, तो वो अनअकैडमी पे पढ़ाने आ गए हैं, वो भी ऑनलाइन है. तो इस पे सोने एक सुनहरा मौका है, सोने पे सुहागा है कि इससे आप फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को आसान करें. सो प्रीलिम एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा. क्योंकि देखिए, प्रीलिम के लिए आपको दोनों स्टेप, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में अगर आप प्रीलिम पास करोगे तो आपके लिए ऑलमोस्ट 70% राह जो है, आपकी रास्ता जो है, पाथ है, क्लियर हो गया. क्योंकि आप देखिए कि 99.99% कैंडिडेट प्रीलिम में ही फेल हो जाते हैं. 500,000 लोग हर साल देते हैं और सिर्फ पास होते कितने प्रीलिम, 10,000 लोग. आप परसेंटेज निकाल लीजिए. सो इसमें, इसके अलावा मेंस में जब आप जाओगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना जरूरी है. तो ये आपको प्रीलिम प्लस मेन इंटीग्रेटेड गाइडेंस देगी, कोचिंग देगी, राइट? इसके अलावा बेस्ट एजुकेटर कवरिंग द सिलेबस एग्जॉस्टली.
कि हर एक लेंथ एंड ब्रेथ कवर करेगा सिलेबस की। ये टॉप एजुकेटर आप मृणाल सर तो कुछ जानते ही होंगे, एक करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा मृणाल सर, सुदर्शन गुज्जर सर, ये सारे एजुकेटर एंड अकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको खूब बेस्ट कोचिंग क्लास देगी यूपीएससी की। इसमें तीन तरीके के बैचेस है, मिशन बैच जो कि बायलिंगुअल होगा, कम से कम अगर आप यूपीएससी इस साल देने वाले हो तो 6 महीने का टारगेट है, नहीं तो 1 साल का। इसके अलावा 2 साल का भी प्रोग्राम है, लाइव क्लासेस होगी, प्रीलिम प्लस मेंस एंड साथ साथ में नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी इंग्लिश में। इसके अलावा लक्ष्य बैच जो है टोटली हिंदी में होगा, ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी, और एक्सपेडिशन बैच होगा टोटली इंग्लिश में होगा, जिसमें डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लक्ष्य जो है हिंदी में होगा, इसमें भी आपको डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, प्रीलिम प्लस मेंस टेस्ट सीरीज होगी, गाइडेंस होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन कराया जाएगा, राइट। तो 2021 का बैच फॉर द यूपीएससी प्रीलिम, न्यू बैचेस स्टार्ट दैट हेल्ड ऑन एवरी मंडे, ये 2001 से 2 साल के लिए, जो कि 2223 का टारगेट लेके आप चल रहे हो, ये सारी चीज़ कवर की जाएगी, जैसे लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, प्रीलिम कम मेंस सिलेबस कवरेज होगा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज होगा। इसके अलावा एनसीईआरटी बैचेस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम, देखिए यूपीएससी प्रीलिम में सारे 90% जो क्वेश्चन रहते हैं वो कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकोगे। तो ये एनसीईआरटी की समरीज, एनसीईआरटी की जो बैच कोर्सेज है वो आपको प्रोवाइड करके देगी, राइट। तो इसके अलावा वीकेंड बैचेस भी होगी जो कि हर एक मंडे को होगी, राइट, जिसमें 100% सिलेबस कवरेज होगा, प्रीलिम कम मेन्स सब्जेक्ट होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, टॉट बाय द अनअकैडमी एजुकेटर्स, वीकेंड क्लास विदाउट डिस्टरप्टिंग ऑफिस वर्क, राइट। अगर आप ऑफिस वर्किंग क्लास हो, आपको छुट्टी नहीं मिलती है, तो सैटरडे संडे या मंडे को भी आप अटेंड कर सकते हो आपके हिसाब से। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो, या उसके बाद एक कोड डालना होगा MIYT10, जिसके डालते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ डॉवर इज लोकेटेड बिटवीन द इंग्लैंड एंड फ्रांस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITC। इट इज अ लोअर प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। इन दिस जोन एयर टेंड्स टू डिसेंड। देखिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में क्या होता है, आप 11 जियोग्राफी NCERT पढ़ा होगा, तो एयर टेंड टू असेंड बढ़ती है, डिसेंड नहीं होती, डिसेंड मतलब कम होना। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी में है, डी में, तो ओनली ए राइट हो सकता है, तो सी राइट हो सकता है। अब देखते हैं, जुलाई इट इज़ लोकेटेड अराउंड 20° north to 250° north लैटिट्यूड्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया विल सून गेट अ मेंबरशिप ऑफ GFXC, राइट। इंडिया सून G20 का ऑलरेडी मेंबर है, G7 का मेंबर है नहीं, क्योंकि G7 के सारे डेवलप्ड कंट्री के मेंबर हैं, और ब्रिक्स का तो ऑलरेडी ब्रिक्स में आए जो है इंडिया का है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स को भी एलिमिनेट करा। G20 का मेंबर ऑलरेडी है, ब्रिक्स का भी है, G7 का मेंबर नहीं है, तो GFXC का मेंबर बनने जा रहे हैं, राइट। ये क्या है, ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इट हैज़ बीन कॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये बिल्कुल राइट है। सेकंड, इट विल नॉट ऑफर एनी क्रेडिट कार्ड, सो इट विल नॉट ऑफर एनी क्रेडिट कार्ड। अब देखिए कि पेमेंट बैंक का नाम जब भी आए ना, पेमेंट बैंक कैन ओपन यूअर डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आपको ओपन करके देंगे, डेबिट कार्ड भी देंगे, राइट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो आप, लेकिन इट विल नॉट ऑफर एनी क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये लोन ही नहीं देते हैं, ये लोन देने का इनको हक ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट कार्ड के तो जरिए हमको लोन ही एक तरीके का लोन मिलता है ना, तो क्रेडिट कार्ड सेकंड स्टेटमेंट राइट है, इट विल नॉट ऑफर एनी क्रेडिट कार्ड। थर्ड, इट विल प्रोवाइड अ QR कोड बेस्ड बायोमेट्रिक एंड कार्ड एंड यूज अ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, तो QR कोड का तो ट्रांजेक्शन होगा लेकिन डेबिट कभी होगा, क्रेडिट कार्ड का नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका आंसर है D1 and 2 ओनली, राइट। यू कैन रीड हेयर अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस लाइक महादेव हिल्स, सातमाला हिल्स, कैमूर हिल्स एंड रामगढ़ हिल्स, तो अरेंज दिस इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो देखिए सबसे पहले जो आएगी वो आएगी सातमाला हिल्स, देन उसके बाद महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड रामगढ़ हिल्स, 2, 1, 3, 4 लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016।
अब देखिए इन्वायरमेंट पे तो एक आध क्वेश्चन, मतलब जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई लॉस पे एक आध क्वेश्चन रहता ही है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कंपैट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, ये राइट है। सेकेंड, द कलेक्टेड फंड्स विल बी यूटिलाइज फॉर अफॉरेस्टेशन ओनली, ओनली मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि ना सिर्फ अफॉरेस्टेशन करने के लिए बल्कि बहुत से पर्पस के लिए, यानी मिटिगेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए, और जो नुकसान हुआ है उसको, उसकी भरपाई के लिए जंगलातों का, राइट। तो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए सॉरी इसमें क्या पूछा है हमसे, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो नॉट करेक्ट मतलब ऑप्शन टू इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज, है ना, सॉरी स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। सो नेशनल फंड विल गेट 10% फंड एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट शुड रियलाइज द फंड फ्रॉम द यूजर एजेंसी फॉर कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कैचमेंट इन मोस्ट दैट। इसके अलावा भी क्या क्या होगा, कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान के लिए भी उस फंड का इस्तेमाल होगा, एंड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फेम इंडिया प्रोग्राम, फेम इंडिया फास्टर अडॉप्शन ऑफ एफ इंडिया, फेम का एफ जो है फास्टर, ए अडॉप्शन, एम मशीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन है, इट हैज बीन लॉन्च टू सपोर्ट द हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आई होप आई एस एस्पिरेंट यू एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो ताकि मोर एंड मोर आई एस एस्पिरेंट्स